शिवम शिवम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्ड। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्तु भाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको शिवागो.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में गांडीव धनुष के बारे में। मैं वैसी बातें आपको बताने चाह रहा हूँ जो बहुत कम लोग को पता है, या फिर आपको भी उनमें से बहुत सारी चीज़ें पता होगा और हो सकता है कुछ चीज़ों का पता नहीं भी हो। अर्जुन महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे और गांडीव भी एक तरह से महाभारत के एक पात्र ही थे। अर्जुन के पास एक दिव्य धनुष था जिसका नाम गांडीव था। यह धनुष अर्जुन को किसने दिया, कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या था, इसके खासियत क्या थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। गांडीव महाभारत काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध धनुष था। वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है, वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है और उससे बना धनुष गांडीव कहलाया। अन्य अनेक अक्षय शस्त्रों की भांति अपने शक्ति के वर्धन के लिए दैत्यों ने भी इसका निर्माण किया था, किंतु देवताओं ने उन्हें परास्त कर अक्षय शस्त्रों को प्राप्त कर लिया था। अर्जुन को गांडीव धनुष अत्यंत प्रिय था और उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति उस गांडीव किसी और को देने के लिए कहेगा उसे वह मार डालेगा। और युद्ध में एक बार कर्ण युधिष्ठिर को परास्त कर दिया था। और युधिष्ठिर को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अर्जुन को जब युधिष्ठिर नहीं दिखे तो उनको देखने के लिए वो शिविर में गया। युधिष्ठिर घायल, दुखी, क्रुद्ध हो कर्ण पर खिंचे हुए थे, अतः उन्होंने अर्जुन को लानत दे दी कि अब तक भी कर्ण को नहीं मार पाया। यह भी कहा कि गांडू धनुष किसी और को दे दे। तो प्रतिज्ञा अनुसार अर्जुन ने तलवार निकाल ली थी, किंतु कृष्ण ने अर्जुन की मन स्थिति समझकर उसे शांत किया और कहा कि बड़े व्यक्ति का अपमान कर देना उसके वध के समान होता है। अतः अर्जुन ने युधिष्ठिर को अपमान सूचक बातें कहकर उसे मृतवन मानकर अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। फिर क्षमा याचना कर बड़े भाई को प्रणाम करके फिर वो युद्ध पे चले गए थे। तो ये सब क्यों हुआ, गांडीव की वजह से हुआ। महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन ने गांडीव धनुष से कौरवों की विशाल सेना को पराजित करके विजय हासिल की थी। इस धनुष के कारण ही उन दिनों सभी अर्जुन को महान धनुर्धर मानते थे। तो भाई इसमें वो ताकत थी कि जब टंकार की जाती थी, तो जो शत्रु सेना थे उसमें हाहाकार मच जाया करता था। अब जो कहा जाता है वो हम आपको बताते हैं। भगवान राम को यह धनुष भगवान शिव के अंशावतार परशुराम जी से उस समय प्राप्त हुआ था जब सीता स्वयंवर में भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा और परशुराम जी वहां उपस्थित हुए थे। ये भी एक कथन है, ये भी कहा जाता है। वैसे परशुराम जी तो विष्णु के अवतार थे, ये सब लोग जानते हैं, पर कुछ लोग उन्हें भगवान शिव के अंशावतार भी मानते हैं। अब यह धनुष राम जी से अर्जुन के पास कैसे पहुंचा, तो इससे पहले जान लीजिए कि परशुराम जी के पास यह दिव्य धनुष कहां से आया, तो ये भी समझने वाली बात है। तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने चाह रहे हैं। विष्णु धर्मेतर पुराण के प्रथम खंड में इस बात का उल्लेख किया गया है कि परशुराम जी को यह दिव्य धनुष भगवान शिव ने पाताल में मौजूद राक्षसों का अंत करने के लिए दिया था। यह विष्णु धर्मेतर पुराण में कहा गया है। भगवान शिव को यह धनुष उस समय भगवान विष्णु से मिला था जब भगवान विष्णु और शिव जी में युद्ध हुआ और दोनों बराबर रहे थे। युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने अपना धनुष शिव जी को और शिव जी ने अपना धनुष भगवान विष्णु को दे दिया था। तो यहाँ पे आदान प्रदान हुआ था।
ये उस पुराण के हिसाब से। बाद में यही धनुष वरुण देव ने अर्जुन देव को दिया था, जिसे स्वर्ग जाते समय अर्जुन वरुण देव को लौटा दिए थे। तो ये एक छोटा सा इतिहास है। गांडीव महाभारत काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध धनुष था। दूसरी कहानी भी है इसकी। एक समय घोर वन के अंदर कनव मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिस्थ होने के कारण उन्हें भान ही नहीं रहा कि सारा दीमक के द्वारा, जो दीमक है, पूरा बॉम्बी बना दिया उनके बॉडी को, और उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर बांस उगाया। तपस्या जब पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमूक जल के द्वारा कणव की काया को कुंदन बना दिया, अनेक वरदान दिए। और जब जाने लगे तो ध्यान आया कि कणव की मूर्धा पर उगी हुई बांस कोई सामान्य नहीं हो सकती है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो इसे काटकर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को दे दिया और विश्वकर्मा ने उससे तीन धनुष बनाए थे, पिनाक, शारंग और गांडीव। और इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। इसे भगवान शंकर ने इंद्र को दिया और फिर बाद में वरुण देव से यह अर्जुन के पास पहुंचा और अर्जुन ने इस धनुष के साथ असंख्य युद्ध जीते। यह धनुष अत्यंत शक्तिशाली और सुदृढ़ था, यह भी कहा गया है। अभी एक और घटना है जो मैं हमको बताते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना तट पर बैठे थे। उसी समय वहाँ ब्राह्मण के रूप में अग्निदेव आए और उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं खांडव वन में, अपने उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं खांडव वन को भस्म करना चाहता हूँ, लेकिन इस वन में देवराज इंद्र के मित्र तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहता है, इसलिए इंद्र मुझे खांडव वन नहीं जलाने देते हैं। तब अर्जुन ने उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र की मांग की और अग्निदेव ने अर्जुन को एक अच्छे तरकश, गांडीव धनुष और वानर चनयुक्त ध्वजा से सुसज्जित एक रथ प्रदान किया था। तो अग्निदेव ने भगवान विष्णु को एक दिव्य चक्र और आग्नेयास्त्र प्रदान किया था। अग्निदेव जब खांडव वन जलाने लगे तो देवराज इंद्र वहाँ आ गए और मूसलाधार बारिश करने लगे, लेकिन अर्जुन ने अपने शस्त्रों से बारिश को बीच में ही रोक दिया। तो यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अर्जुन से युद्ध करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि अर्जुन और श्री कृष्ण साक्षात नर और नारायण हैं, तुम इनसे नहीं जीत सकते। यह सुनकर इंद्र वहाँ से चले गए थे। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई कि गांडीव जो है वो अर्जुन के पास कैसे पहुँची। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।